आदिल ये भी है क्या? अरे आठ मुकेश भाई पहले से दिल्ली में हम लोग इन लोगों को पूछताछ किया है, इसमें पता चला कि इन लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री है जो 2015 से ये लोग जेल गए हैं, वो भी चिनैती के हैं, वो सब दिल्ली के मुकदमे हैं। और ये क्रिमिनल हिस्ट्री मिलने के बाद हम लोग इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के कार्रवाई तो ज़रूर करेंगे। और ये चुनौतीपूर्ण घटना था, हमारा टीम ने काफ़ी मेहनत किया, तो टीम को मेरे तरफ से 25,000 नाम दिया जा रहा है। ये जहाँ नौकरी कर रहे थे, क्या उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया था जब इसमें पहले से मुकदमे दर्ज है? तो जब हम लोग को ये पता चले कि ये कोई सिक्योरिटी ड्रेस यूनिफॉर्म टाइप जो पहन के घटना किए हैं, हम लोग उसी तरह इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़े थे। उसी में जब गिरफ्तार हो गए थे तो पता चले कि ये एक सिक्योरिटी कंपनी है, पैंसर करके उसमें काम कर रहे थे। सिक्योरिटी कंपनी से हम लोग अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये पता चले कि ये लोग गलत एड्रेस दिए हैं, और जहाँ ये पहले रहते थे वहाँ का एड्रेस नहीं दिया, और कुछ अलग एड्रेस जो अपना रिश्तेदार का एड्रेस देकर ये लोग वेरिफिकेशन करके नौकरी पाए गए थे। क्योंकि इन लोगों को दिल्ली पुलिस लगातार पीछे कर रही थी, इसलिए जो जहां ये पहले रहते थे उस एड्रेस ना देकर दूसरा एड्रेस दिए हैं, जो प्रथम दृष्टया में पता चल गया। हम लोग आगे भी इन्वेस्टिगेशन में सिक्योरिटी एजेंसी में क्या भूमिका है, किस तरह का वेरिफिकेशन का क्या लापरवाही रहेगी, उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। थाना 24 में कुछ लोग पकड़े गए हैं, कौन थे और किस तरह घटना अंजाम दिया करते थे? सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में 10 फरवरी को एक घटना हुआ था, जिसमें एक स्कूटी में दो सवार आए थे। बीबीगिरी लेबर इंस्टीट्यूट के पास वाला रोड पे एक व्यक्ति को तमाचा दिखाकर उनका स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लूट के चले गए थे। इस घटना रिपोर्ट होने के बाद हमारा अलग अलग टीम बनाई गई थी, उसी तारीख को हम लोग इसको घटना को रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन के बाद इस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग दो स्ट्रैटेजी बनाए थे, और उस स्ट्रैटेजी के तहत हम लोग सर्वेलेंस के साथ साथ जो मैनुअल इंटेलिजेंस है उसको डेवलप किया था। उस मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर हम लोग लगभग 200 से 250 कैमरा पूरा कंगा लेते, उसमें हम लोग मिल गया। इन्वेस्टिगेशन में दो लोगों को हम लोग गिरफ्तार किया है, इसमें दोनों सगे भाई हैं, एक का नाम गौरव दत्त है और दूसरा विनीत दत्त जोशी है। ये दोनों मूल निवासी अल्मोड़ा जनपद के हैं, उत्तराखंड के, और हाल निवासी ये लोग सेक्टर 15 नयाबास में रहते थे। ये लोग एक सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे थे। इंदिरापुरम में इन लोगों का नौकरी था। जिस दिवस घटना हुई थी वो उस दिवस वो लोग इंदिरापुरम से निकले थे, और हमारा घटना जब 24 में करने के बाद ये लोग वापस पहुंच गए थे। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे